तो भाई YouTube पर हम एज ए यूट्यूबर बहुत सारी वीडियोस बनाते हैं और उस पर अपलोड करते हैं, लेकिन कई बार कुछ ऐसी कंडीशंस होती है कि हमें अपनी वीडियो को डिलीट करना पड़ता है। और देखिए एक चीज और भी है, जिन वीडियोस पर कम व्यूज आते हैं ना, उनको डिलीट करने की जरूरत शायद हमें कभी नहीं पड़ती। डिलीट करने की जरूरत भी हमें उन्हीं वीडियो को पड़ती है जिन पर व्यूज बहुत ज्यादा होते हैं। और जब व्यूज ज्यादा होते हैं और भाई वीडियो हमने बनाई होती है और उस वीडियो को अगर डिलीट करना पड़े तो भाई दिल बहुत दुखता है यार, ऐसा तीर सा लगता है दिल में सीधा। तो बात आती है कि भाई वीडियो डिलीट करने से एक्चुअल में होता क्या है, आपके चैनल पे क्या फर्क पड़ता है, क्या इसके पॉजिटिव है और क्या इसके नेगेटिव है। बहुत काम की है वीडियो, तो कंप्लीट देख लीजिएगा वीडियो को और एक काम और कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब से रिलेटेड कंटेंट मैं अपलोड करता हूँ। तो बात करते हैं सबसे पहले कि हमें वीडियो किन सिचुएशन में डिलीट करनी पड़ती है। तो यहाँ पे कुछ सिचुएशन है। पहली सिचुएशन तो ये है कि हमारे वीडियो पर कई बार कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। अब देखिए कॉपीराइट क्लेम जब आता है, मान लीजिए हमने कोई विजुअल चलाया और उस पर कोई म्यूजिक यूज किया, कोई वॉइस ओवर हमने नहीं दिया, उस कंडीशन में अगर क्लेम आएगा तो हम सोचते हैं कि चलो यार एक काम करते हैं म्यूजिक ही चेंज कर देते हैं, क्योंकि जब हम क्लेम आता है तो रिप्लेस ऑडियो का हमें ऑप्शन मिलता है, तो हम फ्री वाला म्यूजिक लगा के उस वीडियो को चलने देते हैं और उसका क्लेम हट जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वीडियो में बैकग्राउंड जो म्यूजिक है क्लेम उस पर आता है और उस पर वॉइस ओवर भी होता है। अब अगर हम रिप्लेस ऑडियो करेंगे तो भाई हमारा वॉइस ओवर भी चला जाएगा और वीडियो हो जाएगा खराब। तो ऐसी कंडीशन में कुछ लोग सोचते हैं कि यार वीडियो ही डिलीट कर देते हैं, जब वीडियो ही डिलीट कर देंगे तो ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। तो उस कंडीशन में हमें करनी पड़ती है वीडियो डिलीट। बट यहाँ पे मैं आपको एक एडवाइस दूंगा, ऐसे में आप वीडियो डिलीट ना करें, क्योंकि अगर मान लीजिए आप वीडियो डिलीट करेंगे तो सच में आपको दुख होगा क्योंकि व्यूज ज्यादा होंगे उस पर। तो बेहतर यह है कि उस पर क्लेम रहने दें, भले आपकी अर्निंग उस वीडियो से ना हो बट आपके चैनल पर एक अच्छी वीडियो बनी रहेगी जिस पर काफी ज्यादा व्यूज लोगों को दिखाई देंगे। सिंपल सी बात, और क्लेम आने से सिर्फ अर्निंग पे इफेक्ट पड़ता है और किसी चीज पे इफेक्ट नहीं पड़ता। अब बात करते हैं दूसरी कंडीशन की। दूसरी कंडीशन ये होती है कई बार जब हम शुरुआत में चैनल को शुरू करते हैं तो हमारे मन में आए जैसा वीडियो हम डालते रहते हैं, बाद में हमको पता चलता है कि यार हमारे जो चैनल की ऑडियंस है वो तो इस तरह की वीडियो देखना पसंद करती है, कोई भी एक टॉपिक हम चूज कर लेते हैं और फिर सारी की सारी जो वीडियो है उसी टॉपिक पर डालते हैं। तो भाई पुरानी वीडियो को कई बार हमारा मन करता है कि पुरानी वीडियो डिलीट कर देनी चाहिए, क्योंकि यार वो अलग ही अलग कुछ भी डाल देते थे, या कई बार चैनल बड़ा हो जाता है तो हमारे को हमारी जो पुरानी वीडियो उन पर खुद ही हंसी आती है, यार हम क्या डालते थे उस टाइम, मतलब ये क्या वीडियो है। तो आपको लगता है यार आपकी इमेज पर कोई फर्क पड़ेगा और आप उन वीडियो को शर्म के मारे डिलीट करने का फैसला करते हैं। तो देखिए इसका भी एक सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन ये है कि जब भी आप अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करें उसकी प्लानिंग पहले से ही करें ताकि आपको ये दिक्कत ना हो। तीसरी एक सिचुएशन और आती है जब आपको वीडियो डिलीट करनी पड़ती है, और वो सिचुएशन ऐसी होती है कि कई बार हम क्या करते हैं कि जो हमारे चैनल पर वीडियोज होती है वो हम डालते रहते हैं, एक डेढ़ साल हो गया लेकिन वो कंटेंट हमारा नहीं चला, तो हम सोचते हैं कि चलो कंटेंट ही चेंज कर देते हैं और फिर कंटेंट चेंज करने के चक्कर में पुरानी वीडियोज को डिलीट कर देते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन होती है वीडियो डिलीट करने की। अब बात आती है और भी कोई सिचुएशन हो सकती है जिसकी वजह से आपको वीडियो डिलीट करनी पड़े। यहाँ पे एक एडवाइस मैं जरूर दूंगा, अगर आपके चैनल पर कोई भी कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आए किसी भी वीडियो पर तो इस वीडियो को आपको कभी डिलीट नहीं करना है, ये ध्यान रखें। जैसे कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आपके चैनल पर आएगी 7 दिन तक भी वो वीडियो आपके चैनल पर ही रहेगी। वो इसलिए होती है कि YouTube ये कहता है कि आप इस वीडियो को एक बार दोबारा से देख लें, अगर आपको लगता है कि कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक गलती से आई है तो आप अपील कर सकते हैं। और हम क्या करते हैं, घबरा के उस वीडियो को डिलीट कर देते हैं और फिर हमारे वो स्ट्राइक हमेशा पड़ी रहती है, क्योंकि YouTube सोचता है कि जिस वीडियो पर स्ट्राइक दी थी वो तो भैया वीडियो ही नहीं है, तो स्ट्राइक वापस नहीं आती। तो ऐसी गलती तो आप कभी करना ही मत। अब बात करते हैं वीडियो डिलीट करने से आपके चैनल पे क्या फर्क पड़ेगा। तो देखिए वीडियो डिलीट करने से आपके चैनल पे बहुत सारे फर्क पड़ते हैं और नेगेटिव भी पड़ते हैं। सबसे बड़ी बात, आपकी रीच डाउन हो जाती है। अब ये रीच डाउन होती क्यों है ये मैंने एक वीडियो में क्लियर समझाया है, वो मैं आपको आई बटन में दे दूंगा, जाके आप देख लीजिएगा। बट अगर आप वीडियो डिलीट करते हैं और उस वीडियो पर बहुत सारा व्यूज है तो आपकी रीच डाउन हो जाती है, और अगर आप मल्टीपल वीडियोस को डिलीट कर देंगे तो भी आपकी रीच जो है डाउन हो जाएगी। ये रीच वापस भी आ सकती है आपके चैनल पे, परमानेंटली डाउन नहीं होती। अगर आप वापस से किसी भी एक टॉपिक को पकड़ के उस पर अगर कंटिन्यूअसली वीडियोस अपलोड करेंगे तो ये वापस भी रीच आ सकती है, टेम्परेली टाइम के लिए वो डाउन हो जाती है। लेकिन हमको लगता है क्योंकि भगवान ने सब कुछ दिया, हमको सबर नहीं दिया, तो हम क्या करते हैं 5-7 दिन में फैसला करते हैं कि भाई हमारा चैनल तो डेड हो गया, खत्म हो गया, और हम क्या चैनल को ही छोड़ देते हैं। बट ऐसा नहीं करना है आपको। दूसरा, कई बार ऐसा भी लगता है कि मान लीजिए आपने चैनल को बनाए 2 साल हो गए और उस पर आपने 200 वीडियोस बनाए और आपने मान लीजिए 100 वीडियोस उनमें से डिलीट कर दिए या 150 वीडियोस डिलीट कर दिए, तो एक ऐसा चैनल पे एक ऐसा जब कोई आएगा तो दिखेगा कि बहुत टाइम में वीडियोस कम बनाई है, वीडियोस डिलीट किए या पहले बेकार वीडियो बनाता था, इतना फर्क पड़ता है। इसके अलावा वीडियो डिलीट करने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता।
सबसे बड़ी टेंशन लोगों को ये कि वीडियो डिलीट करें तो भाई हमारी रीच जो डाउन होगी वो परमानेंट होगी, कि परमानेंट नहीं वो टेम्परेली होगी। तो इसलिए आप वीडियो डिलीट कर सकते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है तो, अदरवाइज आप वीडियो डिलीट करने से बचें। अगर आपको लगता है कि आपकी जो वीडियोज है जिनको आप डिलीट करना चाहते हो उनमें कोई आपने पार्ट ऐसा यूज कर लिया जिसको आप नहीं शो करना चाहते, तो उस पार्ट को आप ट्रिम कर सकते हैं ऑनलाइन एडिटर में जाके, बहुत ज़्यादा ईजी है। अगर वो भी नहीं आता तो उसका भी मैं आई बटन में आपको एक लिंक दे दूंगा, उस वीडियो को देख के आप एडिट कर पाएंगे। बट वीडियो डिलीट करने से आपकी रीच डाउन होती है, ये बात बिल्कुल सच है, और इसके अलावा कोई भी आपके चैनल पे फर्क नहीं पड़ता। अगर वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक करें, इसी तरह का कंटेंट मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय।